अपन बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी, कल क्या हो सकता है, क्या मूव हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निफ्टी को चेक करते हैं। ठीक है, निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी में क्या चीज़ें बन रही हैं अभी। ठीक है, और निफ्टी में क्या लेवल अपने को, क्या हाई देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे, अपन एक पॉइंट पॉइंट सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे क्या लेवल हो सकते हैं प्रॉपर अपन पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जहाँ तक मार्केट जो है ना, अभी इस रेंज पे आया था। मैं आपको सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में लेकर आ जाता हूँ, इसमें 15 मिनट में। ठीक है, 15 मिनट में अपने को एक पूरी चीज़ एक्यूरेट चीज़ें समझ में आएगी, इसमें एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, इस लेवल के आसपास डबल टॉप बना है। ठीक है, डबल टॉप बनाने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ भी। हाँ सॉरी, ये आ गया, ये लेवल पे डबल टॉप बनाया। ठीक है, डबल टॉप बनाने के बाद फिर रिवर्स हुआ। ठीक है, बेयरिश फ्लैग पैटर्न्स बना रहे ये पूरे। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न्स है। ठीक है, अब मैं आपको एक इसके समझाता हूँ मैं। ठीक है, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं अपन। ठीक है, ये सेम पूरा हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है अपना, उसको प्रॉपर ये फॉलो कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये प्रॉपर फॉलो कर रहा है इसको। अपन सबसे पहले कट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो ये लेवल था, यहाँ से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद जो फिर कल जो यहाँ पर इसने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया था। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, एक ये फ्लैग पैटर्न बनाया था कल। ये हो गया करेक्ट। ठीक है, ये फ्लैग पैटर्न होता है। ठीक है, फ्लैग पैटर्न जब भी बनाता है मार्केट में, तो एक अच्छी रैली देता है अपने को, एक अच्छा मूव देखने को मिलता है मार्केट में। ठीक है, तो सेम अपने को यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक गया। ठीक है, इन लेवल के पास एक डबल टॉप क्रिएट किया। ठीक है, डबल टॉप बनाने के बाद रिजेक्शन लिया। ठीक है, रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया। ठीक है, मार्केट ने जब भी ऐसा बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाता है तो मार्केट कंटिन्यूसली गिरता ही गिरता है, और यहाँ पे गिरा भी, लेकिन यहाँ का इस वाले लेवल का सपोर्ट ले लिया। ठीक है, यहाँ का सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद से यहाँ से फिर यहाँ पर एंट्री हुई, अच्छी खासी बाइंग हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी जो टेक्निकल को फॉलो करते हैं, यहाँ पर क्या होता है अभी कि जो अपन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से अपन ट्रेड करते हैं। ठीक है, टेक्निकल में भी अपने फिर कई चीज़ें देखनी पड़ती है, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई होगी। ठीक है, और जो एसएल रखा होगा इन इसके नीचे रखा होगा, सॉरी सॉरी, हाँ जो एसएल रखा होगा इन लेवल्स के आसपास रखा है। ठीक है, तो दोनों को धड़ाम से धड़ल्ले से एसएल हिट किया रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये जो सॉरी, हाँ यहाँ पर जो कैंडल्स बनी हैं एकदम फुल बुलिश कैंडल्स है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी गेम हो रहा है। ठीक है, इन कैंडल्स में ट्रैप किया जा रहा है, पूरी तरीके तरह से ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में जिसको काम करने की आदत नहीं है, तो ऐसे मार्केट से वो दूर रहे तो बेहतर है। ठीक है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको एक बड़ा ही करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, तो अब कल के लिए अपन सबसे पहले चीज़ समझा देते हैं। कल क्लियर ट्रेड करने के लिए सबसे पहले अपना एक, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अपना जो एसएल रहेगा ये रहेगा अपना। ठीक है, इन लेवल्स का रहेगा अपना एसएल, यहाँ पे नीचे रहेगा। सॉरी 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 सॉरी, इस लेवल का एसएल रहेगा, और जो टारगेट अपने को अगर रहेगा अपसाइड में। ठीक है, तो टारगेट के लिए अपन सीधा 26200 तक का आराम से अपन कर सकते हैं, 26200 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, अगर मॉर्निंग सेशन में अगर करेक्शन लेता है, ठीक है, करेक्शन लेने के बाद इस जो ये लेवल है अपना, इसको अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आप सीधा आप यहाँ पे आप बैठ सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप
अपने हिसाब से जो आपको टेक्निकल जो भी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होगा, ठीक है, आप उससे सलाह लेके आप कर सकते हो। ठीक है, मैं एक व्यू बता रहा हूँ, यहाँ से आप आराम से आप एक नीचे साइड के एक आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है, जो टारगेट का फिर जो सपोर्ट लेवल होगा आपका वो मिल जाएगा आपको, ये सपोर्ट लेवल मिल जाएगा 25,500 का। ठीक है, देन सेकंड आपको यही मिल जाएगा 25, हाँ ये 25,500 का बेहतर रहेगा। ठीक है, 25,500 का सपोर्ट लेवल, देन सेकंड सपोर्ट रहेगा आपका 25,400 का। ठीक है, ये आप निफ्टी के अंदर आप सपोर्ट लेके चल सकते हो। ठीक है, और अप साइड के लिए 26,200 तक का है लेवल, लेकिन करेक्शन लेगा मार्केट और अच्छी करेक्शन लेगा, क्योंकि आप आने वाले टाइम पे देखोगे आराम से। ठीक है, अभी अपन बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी भी सेम चीज़ वही फॉलो कर रही है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो यहाँ वाला जो लेवल है, ठीक है, इसने करेक्ट नहीं किया है। मैं आपको सीधा कल के जो लेवल से मैं उनको समझा देता हूँ, अभी बता देता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अपन बड़े टाइम फ्रेम में आ जाते, सीधा 2 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, 2 आवर टाइम फ्रेम में अपन आ गए। जो कल का अपना टारगेट रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा अपना। ठीक है, अगर इसको मार्केट अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, ठीक है, टाइम स्पेंड करने के बाद फिर एक अच्छे अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो अपने को लेवल 25,300 तक के, 25,400 तक के लेवल अपने को आराम से देखने को मिल सकता है इस बैंक निफ्टी में। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, ठीक है, 25,135 वाला जो लेवल अपना ये, ठीक है, 25,135 और ये, ठीक है, 92 पॉइंट का ये, ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है ये मार्केट, ठीक है, 25,200 के लेवल से अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, क्योंकि जहाँ तक रिजेक्शन लेगा ही, अगर नहीं लेता है, ठीक है, तो आपको आराम से ऊपर साइड के लेवल आराम से आपको 54,600 54,700 के आराम से लेवल मिल जाएंगे। अगर ब्रेक करता, अगर इनको ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, अगर यहाँ से गिरावट होती है, तो गिरावट के लिए आपको जो सपोर्ट लेवल का काम करेगा, तो सपोर्ट का काम आपका यही करेगा 53,200 का। ठीक है, 53,200 का सपोर्ट का काम करेगा। देन जो सेकंड आपका सपोर्ट का काम करेगा, ये करेगा आपका सपोर्ट का 53,941 का। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल रहेगा आपका आराम से। ठीक है, तो इसमें बैंक निफ्टी में अपन अपना इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो ट्रेड के लिए।